हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फिल्मी रिएक्शन में। तो कैसे आप सब, उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। मैं बिल्कुल अच्छी हूँ आप लोगों की दुआ से। तो दोस्तों, आज जिस वीडियो का मैं रिएक्शन लेके आई हूँ वो है सनी देओल की बॉर्डर मूवी। और इसके मैं पहले भी बहुत पार्ट वो कमेंट इसके मैं पहले भी बहुत पार्ट रिएक्ट कर चुकी हूँ। एक और पार्ट लेके आई हूँ। आप लोगों की फरमाइश पर बहुत सारे कमेंट आए थे कि और पार्ट्स लेके आओ, और वीडियो लेके आओ बॉर्डर मूवी के। तो आप लोगों की फरमाइश पर एक और पार्ट आ गया। इस टॉपिक का नाम है वीडियो के, सरहद पर कदम रखे सनी देओल ने की पाकिस्तान की हवा टाइट। मतलब जब सनी देओल ने सरहद पर पैर रखा तो पाकिस्तान की वैसी हवा टाइट हो गई। अरे पाकिस्तान की तो वैसी हवा टाइट हो जाती है, इंडिया का नाम सुनते हैं उनकी हवा टाइट हो जाती है। क्या गुंडा बनेगा रे पाकिस्तान तू। तो जल्दी जल्दी वीडियो देखते हैं, एंजॉय करते हैं, इसके बाद इसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर ले, और अगर आप लोग चाहते हो कि मैं आप लोगों की सजेशन पर रिएक्शन लेके आऊं तो वो भी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मिनी एयरबेस राजस्थान, चौकी श्रॉफ, जैकी श्रॉफ है ना। वेलकम टू जैसलमेर एयरबेस बॉयज। या सर, जैसलमेर भैया कहाँ लाके फेंक दिया? दिस इज सपोज्ड टू बी एन एयरबेस बॉयज। कहीं कुछ दिखाई नहीं दे रहा, ये तो डेजर्ट है। गेट यूज्ड टू इट। फोन आ गया। Hello, Vinko Bajwa. Andy Raghu here. Yes, sir. It's a beautiful desert. There are only 3 tents. No base. Don't creep. Runway to mila. Operational base tum banao. I'll try my best. Thank you, sir. Okay, boys. Dekhe, hamare padosi kaun hai? That's Ramgarh. That's Tanot. The main target for 1965 war. And that is Sadewala. Oh, that's Longewala. That's where Major Kuldeep Singh is, huh? Next to me, in air and on the ground. Hum hi hum hai, to kya hum hai, tum hi tum ho, to kya tum ho. Oot. Main bahut baithi. Dekho na bhaiya. ये आर्मी वाले आ गए हमारी पोस्ट पर चेक करने के लिए। कौन सी यूनिट आई है? ये सरदार दिखा दे रहे हैं, मेरे ख्याल में पंजाब की यूनिट है कोई। आपके कमांडेंट साहब कहाँ हैं? साहब जी पेट्रोलिंग पर गए हैं। ठीक है, उन्हें वायरलेस पर मैसेज दे दो कि हम पोस्ट टेक ओवर करने आए हैं। यस सर। ये क्या? दूर दूर तक रेत। साहब जी आपके लिए वाले में सजा है। साहब जी मैसेज सुनील शेट्टी आर्मी वाले लोंगेला पोस्ट पर आ गए हैं, आपको बुलाया है साहब जी। कैसे सो रहे हैं रेत में? अच्छा, बड़ी अच्छी नींद आ रही थी संतरा। आप सारी रात इस रेत पर इतने मजे से कैसे सो जाते हैं साहब जी? इस धरती को ऐसे ही माँ नहीं कहते संतरा, इसके सीने में बड़ी ठंडक है। जब देखती है कि बच्चा सोने जा रहा है तो उसे
रेत की चादर उड़ा देती है। चलो कैप्टन भैरव सिंह सर, प्लीज टू मीट यू कैप्टन सर। आपको ऑर्डर्स तो मिल ही चुके होंगे सर। ये BSF की कंपनी कुटारू पोस्ट पर जाएगी। कप्तान साहब, आप तो इस इलाके से बहुत अच्छी तरह वाकिफ होंगे। अपने घर की आंगन की तरह सर। देन यू विल बी अ ग्रेट हेल्प टू अस सर। शायद इसलिए मेरे हेडक्वार्टर्स ने मुझे ऑर्डर्स दिए हैं कि मैं और मेरे 3 साथी लड़ाई में आपके साथ इसी पोस्ट पर रहेंगे। दैट्स राइट, ये रिक्वेस्ट आर्मी हेडक्वार्टर्स की तरफ से ही गई थी। You may ask your men to lead now. Sir. Kya mata rani? Sir, aap inse keh dijiye ki maa ke mandir mein roz diya jalayein. Sir, wo samne devi ka mandir dekh rahe hain aap. Mere saathi chahte hain ki aap isme har roz diya jalayein. वहां रोज दिया चलेगा, रोज पूजा होगी। सर, इनका मानना है कि अगर आप ऐसा करेंगे तो देवी माँ इस पोस्ट की रक्षा जरूर करेगी। करतारा सिंह साहब, गल पल्ले बांधला। ठीक साहब। सर, हाउ स्वीट। उठा लो। हाँ, वहां से उठाओ। हाँ, ओके, जल्दी उठाओ उठाओ। हाँ, सुबेदार साहब। जी साहब। जवानों से कह दो कुएं से पानी भर लें। ठीक है साहब, जवानों कुएं से पानी भर लो। ओ बनते हैं बाल्टी चकले। आए लेके आए, बड़ी प्यास लगी। ओए ओए रुक जाओ, नहाऊंगा, खूब नहाऊंगा। ओए रुक जाओ, वजन में वजनदार हो गए। मैं क्या, रुक जाओ, पानी पी लिए सारे, आ जाओ रल मिलके। अरे रुक जाओ, मैं भी आ रहा हूं। ओए चल, मैं भी चल जाता हूं। कोई पानी को हाथ नहीं लगाएगा। देखो, पहले मैं खाना बनाने के लिए पानी भर लूं, उसके बाद चाहे नहाओ तो या फिर इस कुएं में डूब मरो। भागीराम, ये हुक्म तुम दे रहे हो? हाउ, मेरे होते हुए? हो हो, जानते हो तुम किससे बात कर रहे हो? जानता हूं, आप अफसर हैं, 2IC हैं, आपका हुक्म सर आंखों पर सर जी। पर एक बात जरूर कहूंगा, खाना फौज को बनाता है, फौज खाने को नहीं बनाती। दुनिया की तारीख गवाह है। तो जी, बहुत अच्छी वीडियो थी, मुझे बहुत अच्छी लगी। बॉर्डर मूवी वैसे ही मेरी फेवरेट। आप लोगों को पता है मेरे पापा आर्मी से बिलोंग करते हैं। और मैं आपको रियलिटी बताती हूँ, ये जो मंदिर है ना, जब पूरा वार हुआ था यहाँ पे, बहुत लड़ाई लड़ुई हुई थी, पता नहीं तो यही मंदिर है, आई होप सो। अगर रियलिटी में यही लड़ाई लड़ुई हुई होगी ना, तो फिर तो यही मंदिर है दोस्तों। कसम से ये वो मंदिर ऐसा है कि जहाँ पे ना पूरे बम बारूद फेंके गए, और जो इनका मंदिर का एरिया था ना, उस कुछ एरिया तक, जैसे सपोज ये मंदिर है ठीक है, तो इसके कुछ एरिया तक ना जो भी बम पाकिस्तान फेंक रहा था वो डिफ्यूज़ हो रहा था, वो ब्लास्ट ही नहीं हो रहा था। मतलब मंदिर के आसपास का कुछ एरिया इतना ज़्यादा वो था कि मंदिर को ना बाल भी बांका नहीं हुआ। इतनी ज़्यादा फायरिंग, इतने ज़्यादा बॉम्ब ब्लास्ट, ये वो मिसाइलें फेंकी जाती, लेकिन मंदिर को कुछ भी नहीं हो, मंदिर वैसा का वैसा ही था। और ये मेरे पापा खुद बताते हैं कि मतलब शायद इसी मूवी में जो मंदिर है ना, उसी की बात है। अगर इसकी नहीं है तो मैं आपको सर्च करके बता दूंगी, कि भी पापा से पूछ के कि वो कौन सा मंदिर था, कहाँ पे था एग्जैक्ट, वो बता दूंगी मैं आपको। लेकिन ये मुझे जरूर पता है कि वहाँ पे कोई तो एक ऐसा मंदिर है जहाँ पे इतनी सारी बम बारूद हुए और उन मंदिर को ना कुछ भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे आस्था, शक्ति, भगवान, देवी माँ, यार
बोलते हैं ना कि कुछ नहीं होता, सब कुछ होता है, और ये प्रूव करा था माता रानी ने खुद कि मैं यहाँ पे बैठी हूँ और यहाँ पे कोई बाल विवाह का नहीं कर सकता, और वो बिल्कुल ठीक ठाक थी, वो मंदिर बिल्कुल ठीक ठाक था। और रही बात इन फौजियों की, तो इनका ऐसा ही होता है, ये लोग ना साथ में रहते हैं दोस्तों की तरह, जो ऑफिसर्स होते हैं ना ड्यूटी के टाइम पे ड्यूटी, और जब बैठ के बातें मारते हैं तो वैसे बातें करते हैं जैसे बिल्कुल दोस्त हो, ये ना पूरी एक फैमिली की तरह रहते हैं, ऐसे नहीं कि भाई एक दूसरे से मुंह चढ़ा लिया, केयर नहीं करते, नहीं भाई ये बहुत ज़्यादा केयर करते हैं एक दूसरे की। अगर एक बंदे ने खाना नहीं खाया ना, तो जब तक वो खाना नहीं खाएगा ना, चार बंदे उसको खाना नहीं खिलाएंगे तब तक उन लोगों को शांति नहीं पड़ती। वो इतना अच्छा माहौल क्रिएट करके रखते हैं ना यार, उन लोगों को पता होता है कि हमारे सिवा इनका कौन है, एक दूसरे की तो हमदर्द है वहाँ पे, फैमिली तो है नहीं, तो ये लोग बहुत प्यार से रहते हैं। ऑफिसर्स बहुत प्यार से रहते हैं, मजाक करते हैं, मस्ती करते हैं, थोड़ी बहुत लड़ाई भी होती है तो वो सॉल्व भी होती है, बहुत अच्छा रिलेशन बना के रखते हैं हम अपने जवानों के साथ। तो मुझे बहुत अच्छी लगी ये वीडियो, आप लोग कैसे लगे प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएं। इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पर करती हूँ खत्म, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, टाटा बाय बाय।